महोदय आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने बजट 2023-2024 पे बोलने का मौका दिया है। सरकार का ये 7वां बजट है और सदन में जब कभी भी बजट पेश होता है सरकार यही कहती है कि सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा बजट सरकार पेश कर रही है। पहले भी कई बजट पेश किए हैं सरकार ने और इतने बजट पेश करने के बाद भी जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है कई पैरामीटर्स में अभी सुधरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल जी के अभिभाषण में दो संस्थाओं के जो उत्तर प्रदेश के मानक हैं डेटा आया वो मैंने पेश किया था, सरकार उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। मैं अपने बजट के भाषण को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि नीति आयोग में जो रिपोर्ट 2020-21 की है उसमें वहां यूपी की रैंकिंग क्या है मैं जरूर रखना चाहूंगा। 2023-24 का बजट दिशाहीन बजट है जिसमें न वर्तमान की समस्याओं को सुलझाव है न भविष्य का रास्ता और सरकार ने डबल इंजन की सरकार ने किसानों को वादा किया कि आय दोगुनी होगी, न किसान की आय दोगुनी का कोई भविष्य दिखता है, न रोजगार है, न उसका विचार दिखाई दे रहा है और इससे जो सपना दिखाया जा रहा है पूरे देश को और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, ये सरकार अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सपना देख रही है तो सरकार को नीति आयोग का जो सतत विकास लक्ष्य 2020-21 की रिपोर्ट है और यूपी कहां स्टैंड करता है वो जरूर देखना चाहिए और तब अध्यक्ष महोदय जरूर देखना चाहिए कि एक बार दिन रात चला करके विधानसभा ये साबित करने की कोशिश की कि जो यूएन के गोल्स हैं सस्टेनेबल गोल्स उन पर उत्तर प्रदेश की सरकार काम करेगी और दिल्ली की सरकार सहयोग करेगी। अगर उस समय सरकार ने जो दिन रात जगा करके माननीय सदस्यों को इसी सदन में बहस की थी अगर सही मायने में उन चीजों पर काम किया होता और अपने बजट को खर्च किया होता, विभागों को बजट दिया गया होता तो नीति आयोग को ऐसा नहीं कहना पड़ता। उनका पहला मानक नो पॉवर्टी 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश नीचे से 4वें नंबर पर है और ये जो आंकड़े मैं देने जा रहा हूं ये मेरे नहीं है, जो आप लोग काम करते होंगे वही नीति आयोग को पहुंचता है। जीरो हंगर भुखमरी समाप्त करने में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में 28 राज्यों की सूची में नीचे से 2रे नंबर पर है। क्वालिटी एजुकेशन 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर है। जेंडर इक्वलिटी 28 राज्यों की सूची उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पे है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 28 राज्यों की सूची में 20वें नंबर पर है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हम 14वें नंबर पे स्थान रखते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश 21वें नंबर में है। इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटी असमानता में कमी 28 राज्यों की सूची में प्रदेश अंतिम पायदान पर है। यहां जरूरी है कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा, सबका साथ सबका विकास या राम राज बिना समाजवाद के संभव नहीं है।
सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में 14वें नंबर पर है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में हम 9वें स्थान पर हैं, क्योंकि गंदा सांस, और एक बार सरकार के ही एक मंत्री उस समय के रहे होंगे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, कृत्रिम बारिश। क्लाइमेट एक्शन में हम 28 राज्यों की सूची में हम 5वें पायदान पर हैं। लाइफ बिलो वाटर, वित्त मंत्री जी हो सकता कुछ सौ सोच रहे हो, लाइफ बिलो वाटर, जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन है ही नहीं, सीमा ही नहीं तकती, इसलिए पैरामीटर की दिक्कत नहीं, लिखना नहीं चाहिए, है ही नहीं, आप लिख रहे थे कुछ इसलिए मैंने पढ़ दिया। ये लाइफ ऑन लैंड 20वें नंबर, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हम 8वें नंबर पे। जब नीति आयोग के ये आंकड़े बताते हों, 6 बजट आपने पेश किए हों,